वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो, कर दिया, चल पढ़ाओ। चलो दोस्तों, इस लफड़े को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो कुछ सिंपल सी चीजें तो तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी, जैसे जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं या हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम गैस को ठंडा करते हैं यानी उसे कूल करते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है, और लिक्विड को और ज्यादा ठंडा करें तो वो सॉलिड बन जाता है। और जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन, और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं। अच्छे से देख लो, वेपराइजेशन कहते हैं, इवेपोरेशन नहीं। इवेपोरेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसे बोला जाता है कंडेंसेशन, और जब गैस सीधा सॉलिड बनती है या कोई सॉलिड सीधा गैस बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये सब तो हो गई बेसिक सी बातें, अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं टॉपिक में। वैसे डीप डाइव से याद आया, जब मैं सिक्स्थ क्लास में था तब मैंने स्विमिंग करनी सीखी थी, और जैसे ही तुम स्विमिंग सीख लेते हो ना, तुम सबसे पहला काम जो करते हो वो होता है सीधा पूल में डाइव करना। और तब मैं पहनता भी इलास्टिक वाला कॉस्ट्यूम था। डाइव मारी और मेरा कच्छा घुटनों तक पहुंच गया। वो तो भलाओ, मैंने ज्यादा हाइट से डाइव नहीं मारी, वरना निकल के बाहर आ जाता, फिर मिस्टर बीन की तरह इधर उधर देखता रह जाता। उस दिन जाते ही सबसे पहले मैंने मम्मी से नाड़ा कैसे बांधते हैं वो सीखा। तो चलो शुरू करते सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन से। इसका सबसे इजी एग्जांपल हो जाएगा आइस टू वाटर। तो यार, जब हम बहुत सारी आइस क्यूब एक बीकर में रखते हैं और टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो हमें जीरो से नीचे मिलता है, -20 या -25 डिग्री सेल्सियस मान लो। और अभी हमने पढ़ा था, अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो उसे हीट दो। तो अब अगर हम उस बीकर को आग के नीचे रखें तो हम नोटिस करेंगे कि टेम्परेचर -25 डिग्री से -15 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, उसके बाद -10 डिग्री, फिर -5 डिग्रीज, और फिर वो आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जैसे ही वो 0 डिग्रीज पर आता है हम नोटिस करते हैं कि बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है और पानी में कन्वर्ट हो जाती है, और पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है। तो जिस टेम्परेचर पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को हम उस चीज का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जैसी सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तब दोबारा से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, वो 5 डिग्रीज, फिर 10 डिग्रीज, फिर 15 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो यारो, जब 1 kg आइस 0 डिग्रीज पर होती है और तब जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो 0 डिग्री सेल्सियस के 1 kg वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो इस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। चलो एक बार दोबारा बता देता हूं। हमने माना था कि आइस थी -25 डिग्री सेल्सियस पर, तब हमने उसे थोड़ी हीट दी तो वो आइस का टेम्परेचर हो गया -20 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे ही करते करते वो 0 डिग्रीज पर आ गया। लेकिन जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस को हीट दी तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब अगर तुम देखो तो हमने हीट दी थी पर टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हुआ, तो ये जो हीट है ये कहाँ गई?
यारो ये हीट आइस के पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर ली, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो सब पार्टिकल्स अलग अलग हो गए और वो आइस वाटर बन गई। वैसे काइनेटिक एनर्जी तो इन पार्टिकल्स की पहले भी बढ़ रही थी। हमने पढ़ा था ना कि टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। लेकिन इस पॉइंट पर क्या हुआ कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये एक दूसरे से अलग हो गए और बर्फ पिघल कर पानी बन गई। और ये जो 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हीट यूज होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यारो अगर तुम्हें याद हो तो अपना पानी 15 डिग्रीज तक पहुंच गया था, अब अगर हम उसे और गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, फिर 35, फिर 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और फिर 100 डिग्री सेल्सियस। और जैसी 100 पर पहुंचेंगे तब तुम देखोगे कि पानी अपने आप कम होता जा रहा है। तुम्हें लगेगा बीकर लीक तो नहीं हो रहा या फिर कोई इसमें स्ट्रॉ डाल के पानी तो नहीं पी गया। फिर तुम्हें याद आएगा ये तो वेपराइजेशन हो रही है, यानी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो वेपर हवा में जा रही है उनका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो यारो फर्स्ट चीज तो ये है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है उसे हम उस चीज का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे यहां वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी चीज यहां पर भी सेम हुआ है, जब हम हीट दे रहे थे तब पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद जब हमने हीट दी तब वो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में कन्वर्ट हो गया। यानी हीट तो दी पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ये हीट पानी को भाप में कन्वर्ट करने में यूज हो गई। तो जो हीट 1 kg ऑफ वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने में लगती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो यहां पर भी 100 डिग्रीज पर आने के बाद वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पानी से अलग होकर हवा में चले जाते हैं। वैसे मैं बता दूं टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है, मैं शुरू से सेल्सियस बोलता आ रहा हूं तो उस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूं। वैसे सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, बस 273 ऐड कर दो, यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस होगा 373 केल्विन, 50 डिग्री सेल्सियस होगा 50 प्लस 273 यानी 323 केल्विन। देखा इजी। वैसे अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि बताओ किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, तो क्या बताओगे? शाबाश, एग्जाम में भी ऐसी चुपचाप बैठे रहना। अरे भैया अभी तो बताए थे 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को जब हम हीट देते हैं तो उसे और ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो वो 100 डिग्रीज की स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल हुआ ना, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से। चलो अब फटाफट ये बता दो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर, अब इन दोनों में किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? अरे बढ़िया, सही उत्तर दिए हो, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर के पास। और रीजन रहेगा सेम, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर के पार्टिकल्स को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। अब कंडेंसेशन का एग्जांपल तो तुम्हें पता ही है, जैसे ही तुम एक ठंडा ग्लास का पानी बाहर रखते हो तब उसके अराउंड कुछ टाइम बाद पानी सा आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्लास को पसीना आ रहा है, एक्चुअली वो हवा में जो वेपर्स होती हैं वो ठंडी होकर पानी बन जाती हैं।
सॉलिडिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा कि तुम पानी को फ्रिज में रख दो और ठंड की वजह से वो पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। अब आते हैं सब्लिमेशन पर, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ड्राई आइस का। देखो, नॉर्मल आइस होती है H2O, लेकिन जो ड्राई आइस होती है उसका फॉर्मूला होता है CO2। यानी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तब वो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और ये दिखने में भी आइस जैसी दिखती है। और अगर हम ड्राई आइस को ऐसे ही रख देंगे तो वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ से भाफ निकल रही हो। कभी तुम अगर किसी महंगे से आइसक्रीम पार्लर में जाओगे और उन्हें कहोगे कि आइसक्रीम पैक कर दे, तो वो हमेशा ड्राई आइस के अंदर डाल के देते हैं ताकि आइसक्रीम पिघल ना जाए। यारो, आइसक्रीम का नाम सुन के तो मैं भी पिघल गया हूँ। सोचा तो यही था इस एपिसोड में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, लेकिन अब मुंह में आ गया पानी, अब तो एक आइसक्रीम ब्रेक बनता है। चलो बाय बड़ी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। Thank you.